अच्छा, बेंगलोर की एक चीज़ और नोट की कि मुझे लगता है बेंगलोर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक पाबंदी है बिल्डिंगें ना बनाने की, मतलब जहाँ पर सारे घर थोड़े से डबल स्टोरी टाइप दिख रहे थे, बस बेंगलोर टाइप, जिस तरह से हम उनमें बेंगलोर कहेंगे, एक से दो स्टोरी, एक से दो स्टोरी, तो मुझे लगता है बेंगलोर का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है और कुछ मेन रोड, बिल्डिंग सारी आइडेंटिकल दिखी, बिल्डिंगें कहाँ दिखी, जैसे मेन रोड चल रहा है तो मेन रोड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज के हमारी वीडियो, आज की हमारी वीडियो है इमर्जिंग इंडिया से रिलेटेड, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन।
जी जनाब, काफी दिनों बाद देखी है हमने की वीडियो और इस तरीके से एक साथ। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत दिखते थे हम, फिर हमें लगा कि हमने ज्यादातर देख ली है। अच्छा, एक चीज और मुझे लगी, मुंबई का जब शुरू हुआ था तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन था, बहुत ही अच्छा एक क्लिप था, बहुत ही अच्छा एक फुटेज था, हाई क्वालिटी का, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन आगे चल के शायद मुझे हर शहर का थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कैमरे के रिजल्ट में फ़र्क था, लेकिन मुंबई का जो था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। एक तो क्वालिटी के हवाले से, पिक्चर क्वालिटी। अच्छा, आप वो क्वालिटी छोड़ें, आप ये मुझे बताएं कि आपको कुछ चेंजिंग लग रही है। मुझे ये चेंजिंग लग रही है कि आज मैंने एक चीज़ नोट की, बल्कि ज़्यादा गौर से नोट की कि अच्छा खासा एरिया पड़ा हुआ है अभी कोलकाता में। कोलकाता भी हो गया और एक पुणे सिटी भी हो गया और गुरुग्राम भी हो गया। अच्छे खासे कि जब बिल्डिंगें दिख रहे हैं, स्पेस अच्छा खासा, ग्रीनरी, मतलब एक होता है ना शहर, जब डेवलप शहर हो जाता है तो अक्सर भर जाता है। तो मैंने नोट किया कि दो चार बिल्डिंगें हैं, फिर बहुत सारा एरिया खाली है, फिर दो चार बिल्डिंगें हैं, बहुत सारा एरिया खाली है, वहाँ ग्रीनरी है। तो इन्होंने ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो शहर होता है ना, गुंजान शहर होता है, जहाँ जगह जगह घर, रेस्टोरेंट, घर होते हैं, ये वाले, ये जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये मुझे लगता है शायद थोड़ा शहर से कट के हैं, शायद ये शहर के एंड में हैं या गांव वगैरह के साइड पे। गांव तो नहीं, लेकिन इसको यूं कह सकते हैं कि जैसे शहर का एंड होता है या शहर से बाहर होता है थोड़ा सा। अच्छा, मुझे इस तरह का भी लग रहा है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने एक दो वीडियो पहले भी देखी, तो मैंने देखा कि कोई एक्सप्रेस वे है तो वो गाँव से स्टार्ट हो रहा है, गाँव पे खत्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है अर्बन एरियाज में, तो अब थोड़ा सा टारगेट किया जा रहा है ऐसे एरियाज को जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ कमी है। ठीक है, काम एक कराची जैसा सिटी है जो ऑलरेडी बहुत खचा खच है, बहुत कंजस्टेड हो चुका है, अब वहाँ पे आप दो चार प्रोजेक्ट और स्टार्ट करवा दो जहाँ पे जगह है ही नहीं बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाने की, या वो हम गिराएं और नया बनाएं तो बात और है, लेकिन वहाँ पे मजीद बनाना शुरू कर दें। जैसे हमने थोड़े दिनों पहले मेट्रो लाइन की भी आपको एग्जांपल दी थी कि ऑलरेडी हमारा रोड इतना कंजस्टेड है, उसके ऊपर थोड़ा सा और उसका हिस्सा भी निकाल दिया गया, उसका ब्रिज भी बना दिया गया, तो वो और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। अच्छा, उससे ये नहीं है कि सिर्फ उन एरियाज़ के लिए फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। सिटी टू सिटी जब वो जा रहा है तो दूसरी सिटीज़ को भी फायदा हो रहा है ऑटोमेटिकली। दूसरी बात ये है, मुझे वीडियो में नई बात दो चीज़ें लगी, दो सिटीज़ अहमदाबाद और हैदराबाद मुझे चेंज लगे। अच्छा, मुझे काफ़ी चेंज लगे, और जो फोटेजेस मैंने पहले देखी थी उससे बहुत बहुत ज़्यादा अंतर लगा। और अहमदाबाद के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगी, बला की सफाई है, बिल्कुल, मतलब आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है आपको वहाँ तक सफाई दिखाई दे रही है, मतलब एक इंच भी मैं नहीं ढूंढ पाई कि कहाँ गंदगी हो। अच्छा, एक चीज़, छोड़े छोड़े रोड, और एक तो ड्रोन शॉट था, ड्रोन शॉट होता है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो आप एक तरीके से देख पाते हो, ग्राउंड रियलिटी को भी दिखाया गया और फिर ऊपर से भी दिखाया गया, तो मतलब कवर हो रहा था सब कुछ। तो मैं हर जगह चेक कर रही थी कि कहीं तो कुछ फजूल चीज़ें दिख जाएँ, कोई कचरे के डब्बे दिख जाएँ, क्योंकि हम अक्सर अपने रोडों से गुजरते हैं तो हमें शाजो नादे ऐसा नहीं है कि कभी कभी दिख जाए, हमें अक्सरियत से हमें डेली बेसिस पे दिख रहा होता है कि कचरा हमारा, तो वो क्या बोलूँ मैं कि हमारा तो मतलब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कि मैंने ये देखा है डस्टबिन रखे हैं बड़े बड़े, लेकिन उसके बराबर में कचरा डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसे, मतलब मुझे मन तक नहीं समझ में आती कि तुम यहाँ डाल सकते थे, तो भाई मेरे भाई यहाँ डाल देते, इसके अंदर डाल देते, ये चीज़ उसके लिए। इसे सिर्फ एहसास कहते हैं कि लोगों को एहसास नहीं होता, लोग अपने घर को तो साफ करते हैं, बाहर को समझते हैं कि बस ये कचरे का डब्बा जहाँ पड़ा है वो कचरे के डब्बे के अंदर कचरा डालना का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये एरिया पूरा कचरा डालने की जगह, कहीं भी रख के चले जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने अपने घर से कचरा निकाला, मैंने घर के बाहर फेंक दिया, समझ आता है, क्योंकि मुझे काहली थी, मुझे अलका सारी थी कि मुझे कचरे के डब्बे तक नहीं जाना था। लेकिन जब आप रोड पर आके कचरे के बड़े से डस्टबिन के बराबर में थैलियां फेंक रहे हो, तो अल्लाह के बंदे, एनर्जी तो वो यूज़ हो गई ना, टाइम तो वो यूज़ हो गया। मैं बता तो रहा हूँ कि उसके अंदर ही डालो कचरे का डब्बा जहाँ है ना, तो उस एरिया को पूरे को कचरे और उसने हाथ में हेल्पर और झाड़ू उठाया हुआ, और हमारे यहाँ बारिशों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, तो कराची में हर जगह नदी नाले बह रहे हैं, कराची की सारी सड़कें वैसे टूट फूट का शिकार है, और मजीद पपड़ियों की तरह रोड उखड़ रहे हैं, तो उससे और गंदगी हो रही है, मट्टी, कचरा, गंद हर जगह फैला हुआ है। तो मैंने उसे देखा कि वो हेल्पर से और झाड़ू से
उसके इतने छोटे छोटे से हाथ, और आप यकीन करें वो उससे फ्रूट के छिलके, कचरे के रैपर्स, वही सनावा मड के अंदर, कीचड़ के अंदर सनावा, और वो उठा उठा के कचरे का डब्बा बराबर में रखा हुआ है लेकिन वो बच्चा उठा के उसमें डाल रहा है। तो अल्लाह के बंदे, आप जब वहाँ फेंक रहे हो तो आप कचरे के डब्बे में डाल दो ना। बिल्कुल ऐसा ही है, गंदगी तो ना। अच्छा, बेंगलोर की एक चीज़ और नोट की कि मुझे लगता है बेंगलोर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक पाबंदी है बिल्डिंगें ना बनाने की, मतलब जहाँ पर सारे घर थोड़े से डबल स्टोरी टाइप दिख रहे थे, बस बेंगलोर टाइप, जिस तरह से हम उनमें बेंगलोर कहेंगे, एक से दो स्टोरी, एक से दो स्टोरी। तो मुझे लगता है बेंगलोर का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है, और कुछ मेन रोड, आपको बिल्डिंग सारी आइडेंटिकल दिखी, बिल्डिंगें कहाँ दिखी, जैसे मेन रोड चल रहा है ना, तो मेन रोड के साइड पे ये कमर्शियल पट्टी कहलाती है, सही। यानी कि आपका कोई रोड चल रहा है तो उसके साइड पे सारा कमर्शियल एरिया होता है, तो वहाँ पे बिल्डिंगें दिखी। अच्छा, तो ये आप लोग बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई बेंगलोर के कुछ ऐसे इलाके। बेंगलोर के हवाले से मैंने सुना है कि बड़े अमीर लोगों का शहर है। बिल्कुल। और हमने भी देखा, मैंने देखा, मुझे कोई ऐसा एमी वैमी घर नहीं दिख रहा था, ज्यादातर अच्छा डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है, और फजूल चीज़ें नहीं है वहाँ पे। आपने देखा बिल्डिंगें बनी है तो मुनज़्ज़म तरीके से बिल्डिंगें बनी है। अच्छा, मुझे बैंगलोर में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ा डिसिप्लिन दिखता है उसमें, कि मतलब एक कटिंग होती है ना, हमारे यहाँ भी बड़ा कॉन्सेप्ट आया था, चाइना कटिंग, फजूल चीज़ें नहीं होंगी, रोड नहीं होंगी, एक रोड का एक पार्ट होगा। और अच्छा रोड भी मैंने देखे हैं वीडियो में, रोड काफ़ी चौड़े, मतलब हमारे जैसे तो दो रोड बन जाए उसमें, वो एक रोड इतना काफ़ी चौड़ा होता है कि दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ आराम से गुजर। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वाकई नीचे ग्राउंड रियलिटी देखी थी बेंगलोर की, जैसे नाइट का दिन, नाइट का टाइम था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, सेल्फियाँ, तो हमने पता देखा था कि बेंगलोर इतना खूबसूरत लगता है। तो आज हमने रियल में नीचे से भी देख लिया, ड्रोन से तो बहुत देखते थे। तो वैसे बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, और मज़ीद दिन ब दिन इंडिया में तरक्की होती जा रही है और जो हमें दिख रही है। दोबारा किसी साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।